दोस्तों, सैमसंग ने अपने फोल्डेबल फ़ोन को लॉन्च करके एक तरीके से फ्यूचर में कदम रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के फ्यूचर में कदम रखने वाला सैमसंग जो है दूसरी कंपनी हो गई। जी हाँ, दूसरी ही कंपनी हम कहेंगे, क्योंकि पहली कंपनी एक चाइनीज कंपनी थी जिन्होंने फोल्डेबल फ़ोन बनाया था। बट वो उतना, मैं उसको ये नहीं कहूँगा, ग्लोबली मैं नहीं कहूँगा, बट सैमसंग ने जो अभी अपना स्टेप आगे रखा है, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, उन्होंने फ्यूचर को एकदम दिखा दिया है स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के फोल्डेबल फ़ोन को, जो कि लॉन्च हो चुका है एक दो दिन पहले। उसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन और कैमरा क्या है, उसकी बैटरी लाइफ क्या है, परफॉर्मेंस प्रोसेसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम इस चैनल में बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं रवि वर्मा, आपका होस्ट, स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है F1 Tech Support में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें स्मार्टफोन फोल्डेबल के बारे में, तो चाइना की एक कंपनी थी रिवल करके जिसका नाम था, उन्होंने भी इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, यानी कि फोल्डेबल फ़ोन को लॉन्च किया था, बट वो ग्लोबली नहीं था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सैमसंग ने जब ग्लोबली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और सबके सामने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, तो सचमुच जो लोग इस इवेंट को देख रहे थे, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू देख रहे हों या फिर जो लोग वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने देख के एकदम दंग से रह गए कि सैमसंग ने किस तरीके से बिल्कुल हिडन, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी न्यूज नहीं था कि हाँ, सैमसंग इस तरीके का काम करने वाला है, कोई भी लीक सामने नहीं, यानी कि किसी भी तरीके के सैमसंग ने सिर्फ उनके जो एम्प्लॉय थे उन्हीं को पता था कि ये चीज़ होने वाला है। तो दोस्तों, आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि सैमसंग ने जो इसकी स्क्रीन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लैक्सीबल और किस तरीके से फोल्डिंग को, यानी कि आप देख लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है, इस तरीके से फ़ोन कुछ ऐसा होने वाला और एकदम फ्लैट इस तरीके से, यानी कि दोनों तरफ से हो जाएगा। अगर हम इसकी डिस्प्ले साइज़ की बात करें, तो इसका जो डिस्प्ले साइज है 7.3 इंच का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले बड़ा होने ही वाला है। बट अगर इसके हम पिक्सल की बात करें, तो 1536x2152 हम कह सकते हैं, बट 4.23 इसे हम कह सकते हैं। और ये जब फ़ोन ये जब बंद करते हैं, तो इसका जो स्क्रीन का साइज जो होता है, वो आपका स्क्रीन का साइज जो है 4.6S एमोलेड HD प्लस डिस्प्ले है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो इसका साइज है, जब ये फ़ोन बंद होता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फ़ोन, यानी कि बंद होने पे क्या इसकी साइज होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस की अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, प्राइस तो मैं आपको बता ही दूंगा। प्राइस की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो है आपको, अगर हम बात करें डॉलर में, तो $1980 का आ रहा है। बट ये फ़ोन इंडिया में कितने रुपए का आएगा, सोच लीजिए, 1.5 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लाख रुपए का ये फ़ोन है, होना भी चाहिए, पहला फ़ोन है ग्लोबली इस चीज़ को, फर्स्ट फोल्डिंग फ़ोन है, तो कंपनी तो डिजर्व करती है इस चीज़ को। बात करते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस इस फ़ोन का कैसा है, बहुत लोग जानने के लिए बेताब हैं। तो इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 855 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, मैं तो कहूँगा कंपनी ने जो प्रोसेसर इसमें लगाया है, काफ़ी काबिल तारीफ है। रैम की बात कर लेते हैं, 12 GB की रैम है, बहुत ही अच्छा रैम है 12 GB। फ़ोन वैसा है, डुअल डिस्प्ले है, तो होना चाहिए वो। बात करते हैं अगर स्टोरेज की, तो 512 GB की स्टोरेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर हम कैमरे की, तो आधे दर्जन कैमरे हैं दोस्तों इसमें, यानी कि जब ये फ़ोन किसी भी एंगल से आप इसको देखेंगे। बात कर लेते हैं अगर हम रेयर कैमरे की, तो ट्रिपल कैमरा वहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी एंगल से इस वाइड हो उसको खींचने के लिए। फ्रंट की बात करें, दो कैमरे आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जब ये डिस्प्ले मुड़ता है, तो एक कैमरा वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि किसी भी एंगल में स्मार्टफोन जो है आपको कैमरा प्रोवाइड करवा रहा है। OS की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो OS में आपको कंपनी ने दावा किया है One UI का, इनका नया एक्सपेरिमेंट है। जब आप वर्क करेंगे, तो पार्ट बाई पार्ट इधर उधर, यानी कि कभी डिस्प्ले के कॉर्नर में, कभी नीचे के डिस्प्ले कॉर्नर में, कभी बीच में वाइट, यानी कि एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है।
गूगल से बात हो रही है, गूगल ने भी इनको सपोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल आपके साथ काम करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात बैटरी, फ़ोन बड़ा है तो फ़ोन में बड़ी बैटरी के लिए यहाँ पे डुअल बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, डुअल बैटरी, डुअल डिस्प्ले है तो डुअल बैटरी यहाँ पे मिलेगी, जिसको कंपनी ने दावा किया है कि ये जो बैटरी है आपका 4380 mAh का बैटरी इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर ये जो फ़ोन है काफ़ी दमदार फ़ोन होने वाला है, किसी के पास अभी आया नहीं है, किसी जर्नलिस्ट के पास ये फ़ोन नहीं दिया गया है। सैमसंग ने बिल्कुल अभी इस चीज़ को हिडन रखा है, जब अप्रैल में सेल होगा ग्लोबली सभी जगह पे, जब हाथ में आएगा तो पता चलेगा किस तरीके से है। बट दोस्तों 5G का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये फ़ोन इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, वेट करेंगे हम, देखेंगे ये किस तरीके का ये फ़ोन होने वाला है, कंपनी इंडिया में इसके लिए क्या प्राइस डिसाइड करता है, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि प्राइस क्या रहेगा। बट आप एक चीज़ को मत भूलिए, एप्पल अभी क्या करने वाला है इस कंडीशन में, ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों। क्या एप्पल कुछ बड़े स्टेप ले सकता है, क्या वो कोई इक्का छुपा के रखे हुए है एप्पल, ये तो बाद में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन अभी बात हो रही है सैमसंग की, तो सैमसंग क्या करेगा ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं रवि वर्मा F1 Tech Support से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।